try to imbibe your noble suggestion in our life. With this, ladies and gentlemen, now I benignly request our Honorable Member of Parliament from Ladakh, Shri Hassan Khan Sahab, to deliver his presentation. Shri Hassan Khan Sahab. Respected Chief Guest, Dr. S.S. Baluria, Vice Chancellor, Central University of Jammu, respected Guest of Honor, Dr. Pandita, Director, Central Asian Studies, former Director, Central Asian Studies, University of Kashmir, Distinguished Janab Sheikh Ahmad Mohammadi, President, Islamia School, Kargil, Distinguished Speakers, Guests, Students. First of all, I must congratulate and appreciate the organizers for arranging this seminar in the campuses of the University of Jammu, the center of a learning place. Among the students, the scholars, the academicians, the experts in various fields, and the historians among us. I also appreciate the students of the university for having the curiosity, having interest of listening few words from the learned scholars on the subject given above, that's Indo-Iranian relation in the present day. Coming to the topic, I may say that this relation between India and Iran, I should not repeat it. After hearing Professor Pandita and other learned speakers, if I say about our good relations, ancient relations, relations in this field of civilization, in the art, culture, faith between the two countries will be of no use, because they have spoken in elaborately, in detail, everything between we the two countries possess among ourselves. However, I may also try to shift from English to Urdu, because most of our listeners may not be understanding well the language which we are speaking here. मैं आज के टॉपिक के बारे में सबसे पहले आपसे ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान रोज़ अव्वल यानी जिस दिन से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हिंदुस्तान ने एक ऐसा पॉलिसी इख्तियार किया है जिसी दुनिया नाइन लाइन न्यूट्रल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में भी यहाँ मुझसे पहले स्पीकर्स ने इसका जिक्र किया। हिंदुस्तान की यही खूबी रही है फॉरेन पॉलिसी में कि वो किसी भी मुल्क के में या किसी मुल्क के खिलाफ में खा बिला वजह दखल नहीं दिया है पिछले 60 साल में, और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान दुनिया के पावरफुल कंट्रीज में आप शुमार होना शुरू हुआ है, सियासी लिहाज से, इक्तदारी लिहाज से और अस्करी लिहाज से। हर तीनों शोबे में आज हिंदुस्तान बहुत ऊंचाई पर पहुंचा है, जिसका शायद हमारे आबा व अजदाद को ख्याल नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान पहले
अमेरिका और दूसरे मुल्कों के सामने गेहूं के लिए भीख मांगते हुए हम घूमते रहे। आज जैसे यहाँ स्पीकर एक ने बोला कि हिंदुस्तान का ग्रोथ जो है, प्रोडक्शन जो है, वो 6 पॉइंट कुछ पर है और तवक्का है कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में ये 9 और 10 तक पहुंच जाएगा। और जब ये 9 और 10 तक पहुंच जाएंगे हमारे ग्रोथ, तो हम दुनिया के कुछ ही मुल्कों के होंगे जो हमसे आगे होगा, 1-2 मुल्क, वरना हम दुनिया के टॉप पर पहुंच जाएंगे हमारे ग्रोथ में। इस ग्रोथ के लिए, इस तरक्की के लिए हमें जिस चीज़ की जरूरत, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो एनर्जी है, वो पावर है। एनर्जी के बगैर हमारा ग्रोथ मुमकिन नहीं है। और जिसके लिए आज हम तकरीबन 42 ममालिक से दुनिया के हम तेल बरामद करते हैं, जिसमें ईरान भी आता है, जो सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है जहां से ज़्यादा तेल लाते हैं। तकरीबन 22 बिलियन मेट्रिक टन तेल जो है सालाना हम ईरान से लाते हैं। और आज हमारा, मैंने आपको अर्ज़ किया, मैं हमारे बैकग्राउंड का ही नहीं बोलूँगा, ईरान और इंडिया के क्या रहे हैं, लेकिन आज के जो इस इक्तिसादी मैदान में जो हमें एक दूसरे को ज़रूरत है और जिसको बिगाड़ने के लिए बड़ी ताकतें कोशिश की जा रही है, उसी के बारे में मैं आपको कुछ अल्फाज बताना चाहता हूँ कि इस एनर्जी के बगैर इंडिया की ग्रोथ जो है वो इस रफ्तार से नहीं बढ़ सकता हो। एक इमर्जिंग इकोनॉमी जो है वो आज बहुत से लोगों के आंखों में खटक रही है, लेकिन अमेरिका अपने पॉलिसी के, अपने इंटरेस्ट को लेके और कुछ ममालिक जो है वो दबाव डाल रहे हैं ईरान पर कि वो दूसरे ममालिक के साथ अपना तिजारत ना करे, और दूसरे ममालिक के पास को पर ये दबाव दे रहे हैं कि वो ईरान से अपने तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करें, और ख़ासकर बैंकिंग सेक्टर में बड़े बड़े सैंक्शंस उन्होंने यूएनओ के ज़रिए से भी किया। लेकिन आप सबको मालूम है, इन तमाम के बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान के लीडरों ने, वज़ीर ख़ज़ाने ने साफ तौर कहा है कि हम ईरान से तेल का बरामद जो है वो किसी सूरत में बंद नहीं करेंगे। हाँ, इसके पेमेंट में बहुत सी मुश्किलात इस वक्त पेश आ रहे हैं, क्योंकि बैंकों पर सेंक्शन लगा हुआ है और इंडिया को तेल का कीमत अदा करने के लिए दूसरे मुल्कों का सहारा और दूसरे मुल्कों के तरीके इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी अभी तक हमारा बरामद जो है, जैसे थे, जैसे मैंने बोला 42 मुल्कों में दूसरे नंबर पर ईरान है जो हमें तेल की सप्लाई करता है। इसमें भी आप लोगों ने, स्टूडेंट्स खासकर, आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका के दबाव में आके सऊदी अरब ने कहा था कि ये जो खसारा जो है तेल का, अगर ईरान से ना ले तो मैं पूरा करूंगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये एकदम नहीं हो सकता है, इसके लिए भी 3-4 साल का वक़्त लगेगा तब कि मैं इस तलाफी कर सकता हूँ। लेकिन वो सब चीज़ें हिंदुस्तान के लिए सूट नहीं करता है। किसी भी कीमत पे हिंदुस्तान की तरक्की के जो रफ्तार इस वक्त चल रही है, उसके लिए ये हमें उनके डिक्टेशन मंजूर नहीं है, न इसको हमने आज तक मंजूर किया है। बहरहाल अभी जो हमारा मौजू है वो है हमारे ताल्लुकात का। फिर मैं पुराने ताल्लुकात को छोड़ के मौजूदा ताल्लुकात पे आता हूँ, तो आज सियासी लिहाज से भी आप देखें, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप हम देखें इंडिया और पाकिस्तान के, ईरान के बीच में, तो इस वक्त अमेरिका जो है पूरे सेंट्रल एशियन, अरब कंट्रीज़ में और मिडिल ईस्ट में छाया हुआ है। उन्होंने इराक में अमेरिका दाखिल हुआ है, अफगानिस्तान में हो गया, फिर पाकिस्तान में भी एक तरफ का उसका मुदाखल चल रहा है, लीबिया में देख लीजिए, हर मुल्क में। और लेकिन अब वो ईरान में भी अपना मुदाखलत करना चाहता है, लेकिन करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इन मुल्कों से भी निकलना चाहता है, जैसे वो इराक से निकल गया, अब वो अफगानिस्तान से भी निकलना चाहते हैं।
अब हकीकत यह है, लेकिन अफगानिस्तान से भी निकल नहीं पा रहे हैं। अभी आपने कल ही सुना होगा, अफगानिस्तान में पूरे अफगानिस्तान को हिला के रखा तालिबान ने, हर जगह बम डिस्पोर्ट हो गया। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान में अभी तालिबान जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, पाकिस्तान में तालिबान ख़त्म नहीं हुआ। इन हालात में, ऐसे सिचुएशन में ईरान और हिंदुस्तान का मौक़िफ़ एक जगह मिलता है, क्योंकि दोनों मुल्कों को अगर ख़तरा है तो तालिबान से, तालिबान से ईरान को भी उतना ही ख़तरा है जितना हिंदुस्तान को है, अलकायदा से उतना ही ख़तरा ईरान को भी है जितना हिंदुस्तान को भी है, और ईरान से खासकर अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्स के निकलने के बाद भी जो आपके तालिबान है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बंद नहीं होंगे। उन्होंने अपना पैर हर तरफ फैलाना है, और उस वक़्त ईरान और हिंदुस्तान को मिल के मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ लड़ना पड़ेगा। ये वक़्त आने वाला है, बहुत जगह बहुत जल्द एक ऐसा वक़्त आएगा कि इंडिया और ईरान दोनों को टेररिज्म से और ख़ासकर तालिबान के थ्रेट से दोचार होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी इसको रोक नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान जो है वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। आप लोगों ने सुना होगा हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान में क्या हुआ, यहाँ के कितने लोग मारे गए, और आज भी गिलगित में कर्फ्यू लगा हुआ है। और हाल ही में हमने देखा, पता भी है कि करगिल में भी हड़ताल हुई इनके ख़िलाफ़, पाकिस्तान में गिलगित अस्करदू में जो हुकूमत जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ बेगुनाहों को कत्ल किया जा रहा है। तो ये इन सब सिनारियोस में, पॉलिटिकल सिनारियोस में देखें तो आखिरकार में इंडिया को किसी न किसी तरीके से ईरान की मदद चाहिए, और ईरान को इंडिया की मदद चाहिए। तिजारत छोड़ के, आपका जो एनर्जी का जो मसला है उसको छोड़ के, तो आज हमारे यहाँ जो है इंडिया के यहाँ जितने भी थिंकर्स हैं, फिलोसोफर हैं, जो इस वक्त समझ सकते हैं, स्ट्रेटजिक स्टडी करने वाले जो लोग हैं, उनको इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि ईरान और इंडिया के बीच में जो ट्रेड का बैलेंस है उसको बराबर करें, क्योंकि आज हम बिलियन डॉलर्स में ईरान को तेल की कीमत अदा कर रहे हैं। वो हमें देखना चाहिए, तेल का जितना हम पैसा दे रहा है उतना ईरान जो है हमसे प्रोडक्शन, हमारे प्रोड्यूस खरीदे, ईरान हमसे सामान खरीदे, क्योंकि हमारे पास दिन ब दिन हमारी जो पैदावार जो है बढ़ता जा रहा है। इस तरह से हमारे दोनों के बीच में ट्रेड बैलेंस हो जाए तो दोनों मुल्कों के लिए खुशहाली होगी। और जो हालात इस वक्त बना रहे हैं अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन कंट्री जो बना रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़, बाकी मुल्कों के ख़िलाफ़, उस लिहाज से हिंदुस्तान जो है ईरान को वेपन भी, हथियार भी सप्लाई कर सकता है, बेच सकता है। कन्वेंशनल वेपन जो आज वो दूसरे कंट्री से ख़रीद सकता है, वो हम हिंदुस्तान भी उनको ईरान को सप्लाई कर सकता है। कन्वेंशनल वेपन्स हमारे, हम उसको प्रोड्यूस करने की हमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक पॉइंट है जिसे हमें हर लिहाज में ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हमारा ट्रेड जो बैलेंस है ईरान और इस इंडिया की, वो बराबर हो। और तीसरी बात, यहाँ अभी एक स्पीकर ने हमें यहाँ जिक्र किया पाइपलाइन का, ईरान पाकिस्तान और इसके पाइपलाइन का, ठीक है, इस पाइप के लाइन के आने के बाद इंडिया में गैस जो है, एनर्जी जो है वो वक्फी हो सकता था, उसकी कीमत कम हो सकता था, लेकिन वो सिक्योरिटी रिलेटेड है। सिक्योरिटी रिलेटेड इसलिए है कि इसको पाकिस्तान के उन इलाकों से गुजरना है जिसमें आज पाकिस्तान का अपना भी कंट्रोल नहीं रहा, वहाँ पाकिस्तान अभी तक खुद कंट्रोल नहीं पा रहा है, तो इस पाइप को वो कैसे बचा सकता है। इसलिए ये भी मुमकिन नहीं हो रहा है इस चीज़ की, वरना ये भी दोनों मुल्कों के बीच में बहुत फ़ायदा था। दूसरा ट्रांज़िट का जो पाकिस्तान डिमांड कर रहा है, उस वो भी एक प्रॉब्लम हमारे लिए वो भी पैदा हो जाता है। मगर इन सब चीज़ों के बावजूद इंडिया और ईरान में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, किसी आइडियोलॉजी की हमें कन्फ्लिक्ट नहीं है। आप मिलिट्रीली देख लीजिए, इकोनॉमिकली देख लीजिए, पॉलिटिकली देख लीजिए, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, और ना आइंदा किसी को एक दूसरे से किसी किस्म की ख़तरा है
कि यहाँ हमारे बॉर्डर मिलते हों, एक दूसरे के यहाँ इन्फिल्ट्रेशन होने का, एक दूसरे के यहाँ मुदाखलत का कोई ख़तरा हो, वो भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आज बनाया जा रहा है, ये बिग पावर्स का एक गेम है। अमेरिकन और अमेरिकन लॉबी जो है वो ईरान को आइसोलेट करने के लिए ये सारे गेम खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, माय सिवाय इसके कि एक दो बार AIE में हमने उनके खिलाफ जो है वोट दिला, ठीक है उस हद तक हम ये, लेकिन उससे आगे जाए तो इंडिया खुद के लिए नुकसानदेह, और इंडिया किसी के दबाव में आज तक नहीं आया। 60 साल की के आज़ादी के बाद हम किसी के दबाव में भी नहीं आया है, और 60 साल की इस उम्र में बहुत कुछ इंडिया ने अचीव किया है जो बाकी ममालिक नहीं कर पाए, हमारे हमसाया नहीं कर पाया जो हम लोग इकट्ठे आज़ाद हो गए थे, बल्कि उनकी पॉलिसी जो वो हमेशा अमेरिका की जेब में रहा, पाकिस्तान आँख खोलते ही अमेरिका के गोद में जाता, और नतीजा के हो गया पाकिस्तान के आज टुकड़े हो गए और मजीद टुकड़े होने को तैयार हो रहा। गिलगित बल्तिस्तान ही को देख लीजिए, हम कई सेमिनार में गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों को भी मिलते हैं दिल्ली में या सिंगापुर वगैरह में, वो कहते हैं कब हम आज़ाद होंगे। बलोची खुद बोलते हैं कि हम बलूचिस्तान में इनको पाकिस्तान का झंडा कभी लहराने नहीं देते, कभी यहाँ पर नेशनल एंथम पाकिस्तान का नहीं बज सकता। लेकिन वो पॉलिसी सब गलत था, जो हमारी पॉलिसी है नॉन अलाइन, जो हमारे मिडिल पाथ है, हम जो मिडिल पाथ पॉलिसी जो इंडिया ने इख्तियार किया है, इसने हमेशा पे किया है। और इंडिया के बारे में हमें ये फख्र होना चाहिए कि ये एक छोटा मुल्क नहीं है, 121 करोड़ लोगों का ये एक मुल्क है, और ये मुल्क दिन ब दिन मजबूत हो रहा है हर लिहाज से। इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, इतने इख्तलाफ है, हर 300-400 किलोमीटर के बाद और एक हिंदुस्तान आता है, उसको पार कर और एक हिंदुस्तान आता है, लेकिन यूनाइटेड एक है, हर लिहाज में एक है। और इंडिया ने अपने टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन को बढ़ाया है आज़ादी के बाद, घटाया नहीं है, और हमारे हमसाया उसको संभाल नहीं सका, वो भेज रहा है अमेरिका के गोद में बैठ के। हर प्रेसिडेंट जो है आज प्रेसिडेंट बना के लाता है, कुछ देर के बाद उठा के अमेरिका ले जाता है, दूसरे को बिठाता है, कुछ देर उसको चलाता है, फिर उसको ले जाके वहाँ बिठाता है, फिर दूसरे को लाता है, फिर उसको वहाँ ले जाता है, इधर बिठाते है। लेकिन हमने 60 साल में वो नहीं देखा। आज हिंदुस्तान जो है दुनिया को देखते हों, इंडिया की इकोनॉमी जो है वन द टॉप एमर्जिंग इन द वर्ल्ड मान जाते हैं, यही तो रिफ्लेक्शन है। अगर और ना मैंने कहा भी, साथ हमें इख्तलाफ नहीं हो रहा है, अमरीका वो दबाव रहे यहाँ पे, और ना अगर हम इंडिया ईरान के साथ ताल्लुकात करेंगे तो हमें तो इकोनॉमिकली और बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मैंने कहा है कि हम जो तेल का पैसा देते हैं, हम पैसा नहीं देंगे उतना, हम यहाँ उनको सामान बेच सकते, यहाँ हम हथियार तक बेच सकते हैं उनको, कन्वेंशनल वेपन्स जो है। तो ये चीज़ें जो हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में हैं, और हम दबे कभी नहीं, आज भी नहीं हैं, और ये मुल्क इतना छोटा नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये लीबिया नहीं है, ये नेपाल नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है। वाशिंगटन एक बोले तो उस दिन दब के कुछ करेगा, कभी नहीं, हम कभी दबे नहीं और दबेंगे नहीं। और ये ताल्लुकात हमारे ईरान का यूं से जो ताल्लुकात हमारे रहे हैं, वो ताल्लुकात जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, और हमने खुद देखा ईरानियों में कितना जोश और जज्बा है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने का। अभी डॉक्टर जाफ़ान ने बोला स्टूडेंट्स का, हमने देखा कि वहाँ के स्टूडेंट्स इवन एम्बेसी के जो मुलाजिम हैं उनके बीवी बच्चे तक यहाँ के यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए मारामारी कर रहे हैं, वो सब चाहते हैं कि हमारे इंडिया के साथ बहुत अच्छे, क्योंकि वो इंडिया को थ्रेट समझते नहीं हैं। आज उनको थ्रेट है पाकिस्तान से, थ्रेट है उनको अफगानिस्तान से, डरते हैं लेकिन इंडिया से कभी नहीं डरते। और हमें भी खतरा है तो अफगानिस्तान से है, पाकिस्तान से है, ईरान से नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी एक है, हम टेररिज्म में बिलू नहीं करते, वो भी नहीं कर रहे। हम एक इस दुनिया ऑर्डर चलाने में हमको हिस्सा चलना चाहिए, नहीं चाह पड़ा, और हमारा सीम से वो निकल रहा है, ठीक है। अपने बयान करता है वो तो जैसे प्रोफेसर जी ने कहा, ये एक वक्त का रवानी होता है, और ये रवानी को हम रोक नहीं सकता, एक रवानी करते रहा, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, और वो हकीकत जो है वो हकीकत होकर रहता है। आज आप देखें इस दुनिया में तो हिंदुस्तान एक ईरान के बाद एक रिसोर्सेज है, बहुत ज़बरदस्त ताकत ईरान बन सकता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, क्योंकि उनके वहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग
हुकूमत है जिसमें तरक्की कराने का उनकी हाँ भी इरादा है, वो कर रहे हैं और ऐसे कंट्री के डिक्टेशन पे नहीं चलता है। लिहाजा ये कंट्री जो है हमारे इस एरियाज में रीजन्स में हम एक हो जाएं तो इससे बढ़कर फायदा हमारे लिए भी नहीं उनके लिए भी नहीं। जैसे प्रोफेसर पंडा ने कहा शिया होने की वजह से, हम ही बोलते हैं कि ईरान और हमारे ताकत सिर्फ शिया होने की वजह से हो, नो ये ज़रूरी नहीं है कि शिया और सुन्नी हो और क्या हो, वो बात नहीं है ना। अपना इंटरेस्ट सऊदी अरब आज अमेरिका गोद में बैठा है ईरान खिलाफ, वो शिया सुन्नी की वजह से नहीं बैठा क्योंकि उनको आज चाहत को बचाना है और बादशाहत बचाने के लिए आज अमरीका से बेहतर और कोई कद नहीं उनकी बादशाहत को कायम रखने के लिए। हमें उस प्रोसेस में देखना चाहिए। इन चीज़ों से अब हमें जो आज सोचा अब हर जगह रिसेंट देख लीजिए, हमने कल ही देखा कि अमेरिका जो 2014 में अमेरिका ने प्रोग्राम बनाया कि हम अफगानिस्तान से निकल जाएंगे, लेकिन कल ही आप अफगानिस्तान क्या कर छोड़ा तालिबान ने और ये चीज़ें किस तरह से फैल जाएगा और हमें और इसका असर हम पे होगा। अमेरिका जाने के बाद फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान में तो और भी तालिबान है, गिलगित बल्तिस्तान में तालिबान आके वहाँ क्यों लगा हुआ है, तो इसका असर तो हमें है। ईरान के सदू में भी तालिबान घुस के मार अकायदा घुस के मारते हैं। इन तमाम हालात के मुताबिक हमें तारीख की हकीकत को सामने रख के मुल्कों के रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, न सिर्फ मजहबी लिहाज से, नजबाती लिहाज से। जज्बाती और मजहबी रिश्ता जो है वो उससे ज़्यादा बेहतर रिश्ता जो है हमारी सकाफत है, हमारी जो ओरिजिनलिटी है। जैसे प्रोफेसर ने कहा कि ओरिजिनलिटी ईरान और हमारा एक ही है, मौर्या आर्या या जो उन्होंने बोला कि हम तो एक ही नस्ल और एक ही रंग के लोग हैं, तो हमने उस ओरिजिनलिटी को कायम रखने के लिए इस दोस्ती को कायम रखें और इस दोस्ती को आगे ले जाना है। और इंशाल्लाह आप देख लीजिए जो आज दुनिया के हालात बन रहे हैं सेंट्रल एशिया में, अरब ममालिक में या पाकिस्तान में, ये सब जो है एक दूसरे के ऐसा करने को तैयार है, अपने ताही वो कर रहे हैं। इंडिया है जो बचा हुआ और हमेशा बचा रहेगा क्योंकि इसमें बर्दाश्त का ताकत है और इस मिडिल पाथ इख्तियार किया हुआ है, दरमियाना रास्ता, ना राइट ना लेफ्ट। पिछले दिनों आप लोगों ने सुना, मुझे तो तमा करने के लिए बोला कि होलीनेस दलाई लामा जब वो इस्लामी स्कूल में आए और सैकड़ों हजारों मुल्ला और दूसरे लोगों के सामने लेक्चर आया तो उन्होंने कहा कि मिडिल पाथ इख्तियार कर। मैं लेक्चर किया, आप मिडिल पाथ दरमियाना रास्ते पर चलो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना आप एक्सिस साइड पे जाओ ना लेफ्ट साइड पे जाओ ना राइट पे, सब उसको मिडिल पाथ पॉलिसी आप दलाई लामा बोलते हैं आज। यही इमाम जाफर सादिक के हदीस में भी है कि आप दरमियान रवि चलो, दरमियाना रवि ही एक खुशहाल तरीका है एक इंसान के लिए, कौम के लिए, एक ग्रुप के लिए। तो हिंदुस्तान जो दरमियान रवि जो है, इस दरमियान रवि का नतीजा आज तक आप देखते रहे, ये हमेशा अच्छे नतीज निकलते आए हैं और आइंदा भी निकलेंगे। और अभी जो ताल्लुकात जो हमारे बारे में जो आज आप लोगों ने यहाँ सेमिनार रखा है उसके लिए मैं सबसे पहले तो दोबारा आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि कसम के इंटेलेक्चुअल सेमिनार की ज़रूरत है, खास यूथ जो है हमारे, खासकर यूनिवर्सिटी के कॉलेज स्टूडेंट्स को, इनको बड़े अच्छे अच्छे लोगों के नाम से सुनने का आप लोगों को देते। बदकिस्मती है हमें आप सुनने के लिए भी मिलना नहीं है। आप लोगों ने प्रोफेसर इनको कब सुना होता, आपने मनीष साहब को सुना होता, प्रोफेसर बलजीत सिंह ने कितना खूबसूरत बातें बोला, ये चीज़ सुनने के बाद हमें पता लगता है हम कहाँ हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो ये दानिशमंदा आप लोगों का एक सोच है कि यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में एक मियां रवि का पॉलिसी मिडिल पाथ अडॉप्ट करने का एक प्रचार है और हम इस मिडिल पाथ पर रहेंगे। और दलाई लामा की उस बात जो लाने उन्होंने बोला इस्लामिक स्कूल में मुझे याद है, उसने उन्होंने कहा आई गो इन वेरियस इंटरफेथ सेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हेन आई गो अगेन इन दोज सेमिनार आई विल टेल देम अबाउट द मुस्लिम्स ऑफ गिल so religious but so secular, so understanding, so they maintain the brotherhood. ye unke alfaz hai ki ab to main aainda ja ke bolunga, muslim true muslim means that he must be highly secular, he must follow the principles of coexistence, he must follow the policy of brotherhood. ye cheeze hum log lekin ये हम फॉलो करते आए हैं, हमें फ़ख्र है कि हम इससे कभी हटे नहीं हैं। हमारे यहाँ कितने इनकलाब आए,
कश्मीर में दाएं बाएं सरदों में पाकिस्तान में वहाँ, लेकिन हम वहीं हैं जहाँ हम थे और इंशाल्लाह यही मुसम्मम इरादा और यही मुसम्मम जो आपकी मिजाज है वो आगे आपको कामयाबी दिलाएंगे, एस्पेशली द स्टूडेंट्स कम्युनिटी, द फ्यूचर ऑफ द एरिया, और वही इस मिशन को आगे जाएंगे कि हमें किसी मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते क्यों होना चाहिए, इसके वजूहात क्या है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।